नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना में बहुत जल्द शुरू होने वाले म्यूजिकल फाउंटेन के बारे में। देश में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद से स्वच्छ भारत अभियान पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही देश में शहरों को स्मार्ट बनाने को लेकर भी योजना बनाई जा रही है। अब देश में स्मार्ट सिटी को लेकर रैंकिंग भी की जा रही है। इधर बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी के तहत कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। पटना के स्मार्ट सिटी के तहत दो परियोजनाओं पर फिलहाल काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद से काम धरातल पर दिखाई देने लगेंगे। आपको बता दें कि राजधानी पटना के लोग अब सुबह शाम इन परियोजनाओं के द्वारा होने वाले कार्य का लाभ ले सकेंगे। आपको बता दें कि राजधानी पटना में लगे मेगा स्क्रीन पर बिहार संस्कृति के बारे में लोग जान सकेंगे। इसके साथ ही साथ अदालतगंज तालाब जीर्णोद्धार का कार्य भी पूरा होगा। लोग सुबह शाम इस तालाब पर अपने परिवार के साथ घूमने निकल सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल स्मार्ट सिटी योजना के महत्वपूर्ण है। 2015 में मोदी सरकार ने देश को स्मार्ट बनाने का निर्णय लिया था, जिसके तहत बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया। पीएम मोदी के माध्यम से चयनित राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना का दो कार्य 15 अगस्त के बाद से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गांधी मैदान में 6.98 करोड़ की लागत से मेगा स्क्रीन का निर्माण करवाया गया है। वहीं अदालतगंज तालाब का जीर्णोद्धार का कार्य भी पूरा हो चुका है। 15 अगस्त के बाद से इन दोनों परियोजनाओं को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे लोग मनोरंजन का लाभ ले सकेंगे। आपको बता दें कि पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अदालतगंज तालाब का 10 करोड़ रुपए के लागत से सुंदरीकरण कराया गया है। पर्यावरण संरक्षण का ख्याल रखते हुए तालाब का निर्माण किया गया है। तालाब में साउंड एंड लेजर शो लगाया गया है। खुले मुक्ताकाश मंच का भी निर्माण किया गया है। तालाब के बीच में 40 फीट की ऊंचाई तक जाने वाला फव्वारा लगाया गया है, जिससे रंग बिरंगी रोशनी निकलेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों इसका ट्रायल भी किया गया था। पटनावासियों के लिए यह तालाब में बोट भी चला सकते हैं। इस स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बोट खरीदने का भी प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही 2 शिकारा भी चलाने की भी प्रक्रिया चल रही है। बोटिंग करने के लिए चिड़ियाघर इको पार्क के बाद तीसरा स्पॉट होगा यह फाउंटेन तालाब। यह कार्य अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीएम नीतीश कुमार इस तालाब का उद्घाटन कर सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद से अदालतगंज तालाब को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राजधानी पटना में पटनावासियों को स्मार्ट सिटी के तहत गांधी मैदान में 75x42 मीटर के मेगा स्क्रीन पर फिल्म देखने का अवसर मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया है, लेकिन अब उस समय से बंद पड़े इस स्क्रीन का स्क्रीनिंग जो है 15 अगस्त के बाद से मेगा स्क्रीन के रूप में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें कम से कम 5,000 लोग एक साथ खुले मैदान में बैठकर फिल्म देख सकते हैं। पीवीसी सामग्री से बनी फुल एचडी स्क्रीन की 30 फीट की ऊंचाई पर इस ट्रेस के माध्यम से लगाया गया है। डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम से तैयार किए गए इस स्क्रीन पर सूर्यास्त के बाद से फिल्मों का प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रसारण के लिए फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और खेल सहित बिहार की सांस्कृतिक फिल्म आदि का प्रसारण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण होने के कारण लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। तो ये थी म्यूजिकल फाउंटेन और मेगा स्क्रीन शो को लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।